हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। टुडे आई विल एक्सप्लेन साइंस ऑफ चैप्टर सिक्स। आवर चैप्टर सिक्स इज एयर एंड वाटर, यानी वायु और पानी। ठीक है स्टूडेंट्स, टुडे मॉरल इज बी हैप्पी, यानी खुश रहो। हमें क्या करना चाहिए बच्चों? हमेशा खुश रहना चाहिए, ठीक है। एंड टुडे आई विल टीच टू यू चैप्टर सिक्स, ओके। एंड गिवन टॉपिक लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, आपको वायुमंडल्स की लेयर्स के बारे में पढ़ना है। कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, एयर के बारे में पढ़ना है। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, एयर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है। वाटर, पानी के बारे में पढ़ना है। एंड प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। आपको ये इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। लेट्स गेट स्टार्टेड आवर एक्सप्लेनेशन। रेखा एंड समिता आर सिस्टर्स, दे मेड अ प्लान टू सेलिब्रेट देयर ग्रैंडफादर्स बर्थडे एंड बॉट बैलून्स टू डेकोरेट द हाउस। वो लोग क्या करती हैं, दोनों बहनें हैं, और एक प्लान बनाती हैं अपने ग्रैंडफादर का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। कि वो अपने हाउस को बैलून से क्या करेंगी, डेकोरेट करेंगी। तो लुक एट द पिक्चर्स एंड द आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो ईच। आपको क्या करना है, उन क्वेश्चन के आंसर देना है जो नीचे दिए गए हैं। देखिए बच्चों, ये क्या कर रहे हैं, ये बैलून को देखिए, ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, और ये क्या कर रही है। आपको इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हाट इज़ रेखा ब्लोइंग इनटू द बैलून, ठीक है। तो वो क्या भर रही है, एयर भर रही है। एंड व्हाई डिड समिताज बैलून ब्रस्ट, वो क्या कर रही है, एयर प्रेशर को बाहर कर रही है, ठीक है। देखिए इस फिगर से आपको बच्चों समझ में भी आ रहा होगा, ओके। एंड देखिए स्टूडेंट्स, एयर एंड वाटर आर टू ऑफ आवर बेसिक नेसेसिटीज़। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर एंड द वेज ऑफ द वेज टू प्योरीफाई वाटर। देखिए बच्चों, आपको बताया जा रहा है इसमें कि एयर और वाटर हमारी दो बेसिक अवस्थाएँ होती हैं, यानी ये हमारे जीवन की मूलभूत अवस्थाएँ हैं, यानी इनके बिना हमारा जीवन क्या है, संभव नहीं है। हमारी ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, ठीक है। इस चैप्टर में आपको एयर के बारे में, एयर की प्रॉपर्टी और प्योरीफाई वाटर के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, है लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर मीन्स होता है वायुमंडल। आपको एटमॉस्फेयर के लेयर्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। द अर्थ इज, तो देखिए बच्चों, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिंक एनवलप ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। सबसे पहले तो जानिए आपकी एटमॉस्फेयर क्या होता है, यानी द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिक एनवलप। अर्थ जो है, एक अर्थ के चारों ओर थिक एनवलप जैसा है, यानी एक पतली सी ये चारों ओर घिरा हुआ है, ठीक है, एयर से। तो उसे क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, उसे ही वायुमंडल बोलते हैं, ठीक है। टू स्टडी द एटमॉस्फेयर साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड इनटू फाइव लेयर्स। और इसके बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में आप पढ़िए बच्चों, इसको साइंटिस्ट ने फाइव लेयर्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ठीक है बच्चों। ट्रोपोस्फेयर यानी, देखिए अब ये देखिए, ये क्या है आपका, एटमॉस्फेयर है, ये आपका क्या है, अर्थ है, ठीक है। अर्थ के देखिए, उसके बाद क्या है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, और उसके बाद एक्सोस्फेयर। तो देखिए बच्चों, ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, दिस इज़ फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर जस्ट अबव टू द ग्राउंड। ट्रोपोस्फेयर इज़ वेयर वी लिव इन एंड वेयर मोस्ट एरोप्लेन्स फ्लाई। द वेदर चेंज टेक प्लेस इन दिस लेयर।
देखिए बच्चों, इस लेयर का वर्क क्या होता है, यानी अर्थ के बाद सबसे पहली जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, वो ट्रोपोस्फेयर होती है, यानी ट्रोपोस्फेयर में होता है क्षोभ मंडल। तो ट्रोपोस्फेयर बेटा जहाँ हम लीव करते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, यानी जब एरोप्लेन्स वगैरह फ्लाई करते हैं तो ये ट्रोपोस्फेयर में ही यानी फ्लाई करते हैं, ठीक है। और यानी बच्चों, यानी ट्रोपोस्फेयर जो होता है, वेदर चेंज जो होता है वो इसी लेयर की वजह से होता है, ठीक है। यानी कभी गर्मी, कभी ठंडी, कभी बरसात आ जाती है, तो ये किस वजह से होती है, यानी जो वेदर चेंज होते हैं, जो मौसम चेंज होते हैं, वो इस लेयर की वजह से होता है, ठीक है। अब देखिए स्ट्रेटोस्फेयर, इसका क्या वर्क होता है, दिस इज सेकेंड लेयर ऑफ द एटमोसफेयर, ये वायुमंडल की सेकेंड लेयर होती है, ठीक है। द ओजोन लेयर इज पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर, देखिए बच्चों ओजोन लेयर किसकी पार्ट है, ये स्ट्रेटोस्फेयर की पार्ट है, स्ट्रेटोस्फेयर की एक पार्ट है ओजोन लेयर, ठीक है। द ओजोन लेयर एब्जॉर्ब हार्मफुल रेडिएशंस फ्रॉम द सन एंड स्टॉप दे फ्रॉम रीचिंग अर्थ सरफेस, देखिए बच्चों ओजोन लेयर यानी स्ट्रेटोस्फेयर का एक पार्ट है ओजोन लेयर, ये क्या करती है, यानी ये बच्चों सन से कुछ रेडिएशंस, जो हार्मफुल रेडिएशंस, हार्मफुल किरणें निकलती है, ये इसे पृथ्वी तक आने तक इसे रोक लेती है, यानी पृथ्वी पर पहुंचने से वो हार्मफुल किरणें वो ओजोन लेयर रोक लेती है। अगर ना रोक पाती तो आपको पता है क्या होता, सारे लोग और भी ज़्यादा बीमार हो जाते, ठीक है। अब देखिए उसके आगे, जेट प्लेनेस फ्लाई इन द स्ट्रेटोस्फीयर, जेट प्लेन्स जो फ्लाई करते हैं वो कहाँ फ्लाई करते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में फ्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए मेजोस्फीयर, दिस इज थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ये एटमॉस्फेयर की थर्ड लेयर है, और यानी ये थर्ड लेयर है बच्चों, दिस इज़ कोल्डेस्ट एमंग ऑल द एटमॉस्फेरिक लेयर्स, और ये क्या करती है, इसी की वजह से एटमॉस्फेरिक लेयर जो होती है वो कोल्डेस्ट रहती हैं। अब देखिए मेट्रोज बर्न अप इन दिस लेयर व्हील एंटरिंग द अर्थ सरफेस फ्रॉम द अर्थ, वी सी देम एज शूटिंग स्टार्स, और बच्चों आपको पता है, यानी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो पूछ सकता है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं उनको प्रॉब्लम है वो पूछते नहीं, तो वो कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए थर्मोस्फेयर बच्चों, दिस इज़ द फोर्थ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये क्या है, थर्मोस्फेयर में होता है बेटा बाह वायुमंडल, ठीक है। दिस इज़ फोर्थ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये वायुमंडल की फोर्थ लेयर है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ से ये जो है, अर्थ सरफेस की ये वायुमंडल की फोर्थ लेयर है। स्पेस शटल्स फ्लाइज इन दिस लेयर, और इसमें क्या होते हैं, स्पेस शटल्स फ्लाई होते हैं इस लेयर में, ठीक है। अब देखिए एग्जोस्फेयर, यानी दिस इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर, ये एटमोसफेयर की अपर मोस्ट लेयर होती है। देयर इज नो एयर बियॉन्ड दिस, यहाँ पर एयर बियॉन्ड नहीं करती है, ठीक है। अब देखिए द एटमोसफेयर इज यूजफुल टू अज इन मैनी वेज, एटमोसफेयर जो होते हैं बच्चों वो हमारे लिए बहुत ही तरीकों से यूज़फुल होते हैं। अब देखिए इट कंटेन्स ऑक्सीजन, या क्या करती है, ऑक्सीजन को कंटेन करती है, विच इज़ असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग, जो कि हमारे लिविंग थिंग के लिए ये बहुत ही आवश्यक होता है। इट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कंटेन्स करता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस में इसकी रिक्वायर्ड होती है। इट हेल्प्स टू मेंटेन द राइट टेम्परेचर फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स, बच्चों ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है जो सभी लिविंग थिंग्स के लिए क्या होती है, बहुत ही ज़रूरी होती है। इट हैज़ द ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज
ऑफ द सन, इसके पास ओजोन लेयर होती है जो क्या करता है, सन से हार्मफुल निकलने वाली रेस को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है, ठीक है। नहीं तो क्या हो जाता, सारे व्यक्ति क्या हो जाते, बीमार हो जाते, ठीक है। तो अब देखिए बेटा, ये आपकी नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर का कंपोजिशन इसमें आपको बताया गया है, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर जो होती है वो गैसों का मिश्रण होती है, ठीक है। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन, देखिए इसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड अदर कंपोनेंट्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस 1%, ठीक है। एयर ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक। और वो क्या करती है, यानी डस्ट और स्मोक को, यानी वो स्मॉल क्वांटिटी में वाटर वेपर और डस्ट स्मोक को कंटेन करता है, ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इट इज़ द मोस्ट एबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर। देखिए बच्चों, यानी ये सबसे अधिक, ठीक है, नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक होती है, कितने परसेंट, 78%। लिविंग थिंग्स रिक्वायर नाइट्रोजन बट इट कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, यानी लिविंग थिंग्स को इसकी ज़रूरत होती है लेकिन ये इसे डायरेक्टली एयर से नहीं ले पाते हैं, नहीं ले सकते हैं, ठीक है। प्लांट्स गेट नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल, यानी प्लांट्स की हेल्प से हमको मिलते हैं, जो जैसे हवा जब चलती है तो सॉइल बैक्टीरिया उसी में को मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए, दिस बैक्टीरिया फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू डिफरेंट फॉर्म्स, दे कैन बी टेकन अप बाय द प्लांट। अब देखिए बच्चों, यानी जो बैक्टीरिया होते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं, जो प्लांट में क्या होते हैं, टेकन किए होते हैं। नाइट्रोजन इज़ आल्सो एडेड टू द सॉइल बाय मींस ऑफ फर्टिलाइजर्स, यानी बेटा नाइट्रोजन एडेड की हुई होती है सॉइल यानी मिट्टी के द्वारा, मतलब फर्टिलाइजर्स में, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज ऑफ फूड, यानी ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स से हमें, यानी नाइट्रोजन प्लांट और एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ, ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर बर्निंग, ग्रीन प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी ऑक्सीजन बच्चों ज़रूरी होती है लिविंग थिंग्स के लिए, क्योंकि इसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, और सभी लिविंग थिंग्स को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन को, यानी किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ग्रीन प्लांट को यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ग्रीन प्लांट को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब देखिए बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस के बारे में दिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग ब्रीथिंग एंड बर्निंग, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है किससे, एटमॉस्फेयर, यानी बच्चों देखिए, यानी ड्यूरिंग ब्रीथिंग एंड बर्निंग, इसको भी जलाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। प्लांट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स में भी यूज़ होता है कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। अदर गैसेस सच एस हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन एंड ओजोन ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। और देखिए बच्चों, अदर गैसेस हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन और ओजोन लेयर में ये सारे एयर में प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। अब देखिए वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक, एयर ऑल्सो कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, यानी एयर
स्मॉल मात्रा में यानी कम मात्रा में वाटर वेपर को कंटेन करता है, डस्ट और स्मोक को कंटेन करता है। हीट फ्रॉम द सन कॉजेज वाटर टू एवोपरेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सीज ओशियंस लेक्स। यानी बच्चों सन यानी उष्मा जो होती है हीट, वो जो हीट करता है सन से यानी वाटर एपोरेट के कारण, ठीक है, यानी सीज ओशियन लेक में वाटर वेपर देखते हैं आप कभी कभी हीट करता है तो किसके कारण, सन कॉजेस के कारण। यानी द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। यानी जो एयर में प्रेजेंट मात्रा में यानी वाटर का जो प्रेजेंट मात्रा में उपस्थित होता है वो क्या कहलाता है, ह्यूमिडिटी कहलाता है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमिनिंग द डेली वेदर। और ये क्या इसी के यानी इम्पॉर्टेंट रोल डिटरमिनिंग होता है डेली वेदर का, ठीक है। अब देखिए बच्चों, देखिए बेटा आपको इसी बेस पर एक एक्टिविटी दी गई है, एम टू शो दैट ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। देखिए कैसे ऑक्सीजन चलने के लिए यानी चलने के लिए कैसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड यानी क्या क्या ज़रूरत लग सकती है हमें एक्टिविटी करने के लिए, लगती है टू कैंडल्स एंड अ ग्लास जार, टू कैंडल्स और एक ग्लास जार। प्रोसीडर प्लेस द कैंडल्स ऑन अ टेबल एंड लाइट देम। हमें क्या करना है, कैंडल को टेबल पर रखना है और उसे जलाना है। आफ्टर अ व्हील इन्वर्ट द ग्लास जार ओवर वन ऑफ द कैंडल्स, यानी एक कैंडल्स को क्या करना है, जार में रखना है। ऑब्जर्वेशन प्रेक्षण द कैंडल दैट इज एक्सपोज टू एयर कंटिन्यूज टू बर्न वेरियस द कैंडल्स कवर्ड बाय द जार बर्न फॉर अ शॉर्ट व्हील एंड देन स्टॉप्स बर्निंग। रीजन द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द जार गोज और बिकोज कवरिंग एंड कैंडल्स कट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई एंड कंक्लूजन दिस सो दैट ऑक्सीजन इज असेंशियल फॉर बर्निंग। देखिए बच्चों जब हमको क्या करना है, पहले टू कैंडल्स लेना है, एक जला कर रखना है और एक जार से ढक देना है, ठीक है। उसके बाद यानी ढक देना है, दोनों जलती हुई होनी चाहिए। हम देखते हैं कि कैंडल कंटिन्यू तो जलती रहेगी लेकिन ग्लास में क्या हो जाते हैं, वो ग्लास को काट देती है, ठीक है। और यही क्या कहलाता है, यानी इसी से शो होता है, यही दर्शाता है कि ऑक्सीजन यानी बर्निंग के लिए चलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब देखिए बच्चों आपको आगे पढ़ना है, एयर इज़ यूज्ड बर्निंग ब्रीथिंग एंड ऑल्सो इन अ प्रोसेस कॉल्ड रस्टिंग। एयर का यूज़ जलने के लिए सांस लेने के लिए किया जाता है और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं, ठीक है बच्चों। ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन गेट कवर्ड विथ अ रेडिश ब्राउन सबस्टेंस कॉल्ड रस्ट। यानी जो ऑब्जेक्ट यानी आयरन से कवर्ड हुए होते हैं, रेडिश ब्राउन होते हैं, वो सबस्टेंस क्या कहलाते हैं, रस्ट कहलाते हैं। दिस हैपेंस व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट कम इस कॉन्टेक्ट विथ एयर एंड द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आयरन ऑब्जेक्ट इसके यानी कॉन्टेक्ट में आता है तो एयर और वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, आपको एयर की प्रॉपर्टीज पढ़ना है। वी नो दैट एयर हैज़ वेट एंड इट ऑक्यूपीज स्पेस। लेट अस डू दिस सिंपल एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। हम जानते हैं बच्चों कि एयर के पास क्या होता है, वेट होता है और यह स्थान घेरता है। तो इसे हम सिंपल एक्टिविटी से कैसे समझते हैं कि इसमें एयर के गुण होते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये एक्टिविटी हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में यानी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। एंड तब तक के लिए बच्चों आपको क्या करना है, आपको सारी एक्सरसाइज, ठीक है, देखिए एक्सरसाइज मैंने फिल किया हुआ है, ठीक है। आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर ए बी सी एंड डी ये आपको करने हैं और जब आपका चैप्टर फिनिश होगा तब आपको क्वेश्चन आंसर करने होंगे, ठीक है। तो केवल बच्चों आपको वीडियो से देखकर क्या करना है,
क्वेश्चन नंबर ए बी सी और डी, ठीक है। ये ए के आंसर हैं, बी के आंसर भी आपको शो हो रहे हैं और सी के और डी के भी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपको क्या करना है, जो भी अगर यानी एनी एक्सप्लेनेशन, लाइन ऑफ एनी एक्सप्लेनेशन, एनी टॉपिक डू नॉट अंडरस्टैंड यू कैन आस्क मी। ओके थैंक यू क्लास। माई कोड इज़ MPS Science 130.